हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिबास बुटीक। तो हाज़िर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। पहले तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज इंडिपेंडेंस डे है तो मैंने सोचा कुछ अलग और कुछ यूनिक आपको बना के दिखाऊं। तो ये मेरे पास ऑरेंज कलर का कपड़ा है, इसको मैंने कट किया है। तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैं इसको जो लुक दूंगी वो तिरंगे का लुक दूंगी, जो इंडिपेंडेंस डे है तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ यूनिक होना चाहिए। तो मैंने आपको तिरंगे की तरह ही ये बना के आपको मैं दिखाऊंगी। ये मैंने कट किए हैं, इसके जो कलर हैं तिरंगे के हमारे, तो मैंने ग्रीन और वाइट और ऑरेंज तीनों कलर का कपड़ा लिया है और मैं इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने ये कट किया है। ये तीसरा रंग का कपड़ा हमारा ऑरेंज। ये जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ये आप टांग सकते हैं, ऐसा आपको तिरंगा भी लगा रहेगा घर में और आप इसमें सामान भी रख सकते हैं। ये एक बैग टाइप समझ लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चों के सामान होते हैं, आप इसमें रख सकते हैं। मैं बार आपको मेज़र करके बताती हूँ। ये मैंने 22 इंच लंबा कपड़ा लिया है और 12.5 इंच चौड़ाई ली है इसकी मैंने। ऐसी ही मैं 10 इंच के इसके जो पार्ट्स हैं वो ले रही हूँ। ये मैंने तीनों पार्ट्स कट किए हैं और इसका जो बीच का जो हमारा मेन होता है तिरंगे का जो मेन होता है चक्र, उसके लिए मैंने ब्लू कपड़ा लिया है। अब हम इसको स्टिच करते हैं। पहले हम इसे ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। ये हम इसको फोल्ड करेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरा चैनल। तो ये हम उल्टा रख के इसको स्टिच करेंगे। देखिए, हम पहले सबसे पहले ग्रीन कलर से इसकी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। पहले हम नीचे से करेंगे, फिर साइड भी करेंगे हम इसकी। हम इसको उल्टा कपड़ा रख के सिलेंगे ताकि हम इसको सीधा करें तो हमारी जो सिलाई है वो ना दिखे। ये देखिए, यहाँ पर हम कट लगा देंगे कोनों के लिए और ये हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमारा नीचे का बेस तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब हम वाइट कलर को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इसको हम इस पर अटैच करेंगे। तो आप पहले इसको भी उल्टा ही रख के आप स्टिचिंग कीजिए कपड़े को, ताकि हम इसको पलटे तो ये सीधा हो जाए और इस पर एक सीधी सिलाई लेंगे हम। प्लीज़ गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ये देखिए, और यहाँ पर हम कट लगाएंगे ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें। ये देखिए आप, ये हमने यहाँ पर फोल्ड किया और इस पर स्टिचिंग लगा दिए। ये लगाया हमने और हम यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे। ये हमारा दोनों कलर कंप्लीट हो गए, ग्रीन एंड व्हाइट। अब हमारा जो है मेन कलर ऊपर का ऑरेंज कलर होता है हमारे तिरंगे का, तो हम इसमें ऑरेंज कलर अटैच करेंगे। सेम प्रोसेस है, ऐसे ही लगाना है इसको, फोल्ड करके सिलाई लगाइए और इसको फोल्ड कर दीजिए और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। जो हमारे नीचे का कपड़ा है इसको हमने फोल्ड किया है और अब हम इसको मोड़ देंगे, जैसे हमने और सबको मोड़ा है वैसे ही हम इसको भी मोड़ देंगे। ये देखिए, ऐसे ही इधर से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा तिरंगा हो गया है, पर अभी इसमें हमारी जो मेन चीज़ है वो हमने भी यूज़ नहीं की है, जो हमारा चक्र होता है तिरंगे का मेन पार्ट। तो हम वो आपको बनाना दिखाएंगे। वो मैंने पूरी वीडियो नहीं डाली है उसके बनाने की, पर मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है कि मैंने वो कैसे बनाया है। तो ये पहले मैं इसमें लूप्स लगा दूंगी ऊपर इसको टांगने के लिए।
ये देखिए ये हमारा ऐसा हो गया है जैसे हमने ये पॉकेट बनाई है। ये हम इसकी पट्टी काटेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और इस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। मैंने ये दो पट्टी कट की हैं 1.5 इंच की और इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी है, क्योंकि हम इन पट्टी के ही जरिए वो जो हमारा चक्र है तिरंगे का हम वो बनाएंगे। तो पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी रहे। ये देखिए आप, ये हमारा कंप्लीट हो और हम इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और एक गोल कट करेंगे हम चक्र के लिए और उसमें इन्हें लगाएंगे लूप्स को जो हमारी ये स्टिक का काम करेंगी। ये देखिए आप, तो गाइस ये हमारा चक्र रेडी हो गया है बनके। प्लीज़ कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। ऐसे और न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।